अस्सलाम वालेकुम सर, ये हमारा इलेक्ट्रिक ओवन है और मैं आपको इसके बारे में आज बताऊंगा। इसके अंदर जो है वो फ्रंट डोर पर तीन टेम्पर्ड ग्लास दिए होते हैं, एक इनर लेयर पे, एक इसके अंदर सेंटर में होता है, एक ये आउटर लेयर पे होता है। इसके अलावा मैं इसके अगर आपको कंट्रोल्स के बारे में बताऊं तो ये इसके कंट्रोल्स दिए हुए जो है जो कि टेम्परेचर नॉब है। इसमें आप 50 डिग्री से लेके 250 डिग्री तक मैक्सिमम टेम्परेचर को अटेन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ के कंट्रोल्स दिखाऊँ आपको तो ये इसके अंदर जो है वो आपके पास सबसे पहले 3D बर्नर और उसके साथ कन्वेंशनल फैन प्लस रोटेसरी के ऑप्शन के लिए आता है। दूसरा वाला जो ऑप्शन है ये आपके पास बेकिंग और ग्रिलिंग दोनों के लिए आता है। तीसरा वाला जो ऑप्शन देख रहे हैं आप, ये आप इसके लिए कन्वेंशनल फ़ैन के लिए यूज़ होता है। चौथा वाला बेकिंग प्लस कन्वेंशनल फ़ैन के लिए यूज़ होता है। पाँचवा वाला ग्रिलिंग प्लस कन्वेंशनल फ़ैन के लिए यूज़ होता है। छठा वाला ओनली ग्रिलिंग के लिए यूज़ होता है। सातवां वाला बेकिंग प्लस ग्रिलिंग प्लस कन्वेंशनल फ़ैन के लिए यूज़ होता है। और ये जो आपके पास जो तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है ये आपके पास 3D बर्नर के साथ बेकिंग और कन्वेंशनल फ़ैन, और ये वाला जो ऑप्शन है ये ओनली कन्वेंशनल फ़ैन के लिए है। उसके बाद ये इसको सिंपल आप टर्न ऑफ कर देते हैं। ये इसका जो है वो डिजिटल टाइमर कंट्रोल दिया हुआ है, इसके अंदर आप अपने हिसाब से टेम्परेचर को सेट कर सकते हैं। इसके अंदर दो बेकिंग फेज भी होती है और दोनों ही काम चीनी कोटेड होती है, कोई भी स्क्रैच वगैरह इसके ऊपर नहीं आता। एक इसके अंदर ग्रिलिंग ट्रे दी हुई है, और अगर आप ये ग्रिलिंग ट्रे वगैरह निकाल के दिखाऊं तो इसके अंदर बैक साइड पे कन्वेंशनल फ़ैन भी लगा होता है। साइड पे जो आप देख सकते हैं कि स्लाइडिंग चैनल्स भी दिए हुए हैं जिसकी वजह से ट्रे की मूवमेंट बहुत आसान हो जाती है। अंदर की तरफ आपके पास जो है ये लाइट भी दी हुई है, और सबसे अच्छी चीज़ ये कि इसके अंदर डुअल एग्जॉस्ट सिस्टम होता है। दूसरी चीज़ ये कि इसके अंदर जो है वो इसकी जो बिल्ट इन कैपेसिटी होती है 64 लीटर्स होती है, और 2 ईयर्स की वारंटी भी कंपनी आपको दे रही है।